फ्रेंड्स, आने वाला है एक और नया वीकेंड और इस बार हम लोग जाने वाले हैं बेल्जियम। वहाँ पे सिटी कवर करने वाले हैं ब्रुसेल्स एंड ब्रुक्स। होने वाला है बहुत सारा फन। सो आइए चलिए निकलते हैं। सब रेडी हो रहे हैं, श्रेया रेडी है, मैंने भी अपना बैग और सब सामान जमा लिया है, घर हो गया है लॉक। अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। बुल्ला भी रेडी है। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। फ्लाइट है ब्रुसेल्स की, सो म्यूनिक एयरपोर्ट जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, S-Bahn U-Bahn ले रहे हैं। उसके भी पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप सुपरमार्केट से कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। आप ATM से तो निकाल ही सकते हो पैसे, और अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो किसी सुपरमार्केट से तो फ्री ऑफ चार्ज आप वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग घर के पास ही में रेलवे है, वहाँ जा रहे हैं। ये सब आ रहे हैं पीछे से, तो रेलवे से थोड़ा सामान ले लेंगे, कुछ बिस्किट वगैरह, एंड वहाँ से यूरोज भी विड्रॉ कर लेंगे। सुपरमार्केट से निकाल लिए हैं पैसे, अब चलते हैं ट्रिप के लिए U-Bahn की तरफ। हमको जाना है के गेट पे 24 से। हो गया है जस्ट, अभी हमने सिक्योरिटी चेक करवाया, अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ। ब्रुसेल्स के एयरपोर्ट पे जस्ट अभी लैंड किए हैं, अब जाएंगे होटल, करेंगे चेक इन एंड फ्रेश होने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिटी मार्केट। हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, तो ये दिखा हमको लेगो से बना हुआ, तो ये मैं दिखाता हूँ। हम लोग इसके ओरिजिनल स्पॉट पर भी जाने वाले हैं। ये एक स्टैचू है बच्चे का यूरिनेट करते हुए, तो काफी फनी है। इसका ओरिजिनल स्टैचू भी देखेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे स्टे के पास। ये स्टे है ब्रुसेल्स का 3 दिन के लिए, सिटी बॉक्स। अब जाके चेक इन करेंगे। ये सेल्फ चेक इन कियोस्क है। अब हम लोग यहाँ पे हमारा पिन डालेंगे और हमको रूम की कीज मिल जाएंगे। अब ये की प्रिंट कर रहा है, ये प्रोग्रेस बार है। तो हमने दो की करा, ये फर्स्ट की आ गई। कूल कॉन्सेप्ट है ना। ये एक यूनिक सी चेयर यहाँ पे रखी हुई है, चेक इन करते हुए आप यहाँ बैठ सकते हैं। रास्ते से ही मास्टर बेड है जिसमें दो लोग सो सकते हैं, और फिर ये दो बंकर बेड है निहाल और मेरे। अच्छा है रूम एक्चुअली, है ना। और सामने ही रेस्टोरेंट वगैरह भी है खाने के लिए। हम लोग आ गए हैं हमारे होटल रूम में। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है अब, जबकि हम सुबह पराठे खा के आए थे, पर फिर भी अब हम यहाँ पर जाके एक इंडियन रेस्टोरेंट है चंडीगढ़, उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखते हैं वहाँ का टेस्ट कैसा होगा। और फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं ग्रैंड पैलेस, जो कि सिटी सेंटर है यहाँ का, और वो एक टूरिस्टिक स्पॉट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर रेस्ट करेंगे एंड कल निकलेंगे फिर। मेनली हमको जाना है एटोमियम एंड अदर प्लेसेस। सी या। तो मैं
So you kind of start with the daibala. It's a kind of a starter. It's a mixture of yogurt, ginger, pomegranate, and this one is a lentil dumpling. It's cool and sweet in order to open your palates. You have a paneer kofta. This one is a mix of potato and spinach. You have chickpeas, yellow lentils, tomato and mint chutneys, spicy, that you can eat beside the curries. You have salad, beetroot roti, naan, rice, and papad. Ah, lovely. Enjoy your meal. Thank you so Enjoy. Much. ये लास्ट में हमको हार्ट शेप्ड गाजर का हलवा मिला है। यहाँ पर खुशबू बहुत ही शुद्ध घी की आ रही है। टेस्ट करके प्रेजेंटेशन हर चीज का अच्छा है ना, खाने की थाली का भी प्रेजेंटेशन, मैंगो लस्सी का तो था ही, ड्राई फ्रूट्स और थिकनेस थी। ग्लास में कौन हलवा देता है, गाजर का हलवा तो अनएक्सपेक्टेड है, वो भी ग्लास में, वो भी हार्ट शेप और ऐसा इतना मस्त। प्रेजेंटेशन के लिए 10 out of 10 और टेस्ट के लिए टेस्ट करके बताते हैं। बैक टू होटल, ये था डे वन। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन ब्रुसेल्स में। कल ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हुई थी, सो आज हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले मॉर्निंग में, क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं। तो जैसे ही सब लोग रेडी हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे एटोमियम। उसी के पास में है मिनी यूरोप, जो कि मिनिएचर वंडरलैंड जो हैम्बुर्ग है उसके टाइप का होगा। जो यूरोप के फेमस सिटीज़ हैं उन सब का मिनिएचर वहाँ पे बने हुए हैं, वो देखेंगे। एंड उसके बाद जो मैनिकन पिस है, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है ब्रुसेल्स का, एक किड का स्टैचू है जो यूरिनेट करते हुए हैं, तो वो देखने वाले हैं। एंड उसके बाद बचते हैं कुछ म्यूजियम्स, जिसमें से फाइन आर्ट, रॉयल फाइन आर्ट म्यूजियम है, तो उसमें तो फॉर श्योर जाएंगे। जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, ये बहुत ही सेंट्रल जगह पे है, तो ये बहुत अच्छा रहा कि हमको ये होटल मिला है। हमको जो भी टूरिस्टिक स्पॉट्स जाने हैं वो सब इसी रोड पे, हार्डली विदिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जो रॉयल पैलेस है वो यहाँ है, जो ब्रुसेल्स का सेंट्रल स्टेशन है वो भी यहीं पे है, जो मैनिकन पिस है वो भी इसी रोड पे है, तो ये बहुत ही सिटी सेंटर वाली रोड है। हम लोग आ गए हैं एटोमियम के पास, टिकट पहले ही ऑनलाइन ले ली थी, अब अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। यहाँ पे ये लोग का फोटोशूट चल रहा है। एटोमियम में घुसने के बाद वहाँ पे फोटोशूट हुआ था वो ग्रीन पर्दे पे। फिर ये लाइन में लगने के बाद हम लोग पहुँचे लिफ्ट के पास, लिफ्ट से ले जाएंगे लोग सबसे टॉप पे, फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे एटोमियम का व्यू। लिफ्ट से हम लोग आ गए हैं एटोमियम के सबसे टॉप एटम के अंदर,
एंड यहाँ से आप 360 व्यू ले सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग जाने वाले मिनी यूरोप, वो भी आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से। एफिल टावर है, अदर फेमस मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस हैं पूरे यूरोप के। वहाँ पे स्टेडियम भी है। अटोनियन के स्टेट्स दिए हुए हैं, 3 एस्केलेटर है, 80 स्टेप्स है ये ऊपर आने के, नीचे जाने के लिए 167 स्टेप, 1 एस्केलेटर। डिजाइन बनाई है उन्होंने, पूरा लोड बियरिंग उसका निकाला होगा तब जाके ऐसा बनाया है, कितना कैलकुलेशन लगा होगा इस कॉम्प्लेक्स डिजाइन में। हो गया एटोमियम का टूर। ये ब्रुसेल्स का ग्रैंड पैलेस है जो सिटी मार्केट है, और ये फ्लोर कारपेट है, ये मिनिएचर वर्ल्ड है। ये है पीसा, यहाँ तो गई है श्रेय है ना। बैग दिखाओ आपका, बैग बैग कहाँ का है ये? पीसा। अरे ये तो यही है, तो बस तो फिर हाँ यार खींचा ले इसके साथ, ये तो पीसा लिखा पीसा। चलो अब हम डिजाइन म्यूजियम चलते हैं, वो सामने दिख रहा है ना, हमारी एटोमियम की टिकट में इंक्लूडेड था ये। ये म्यूजियम तो लग ही नहीं रहा है ना, ये सब चीजें तो अपने दुकानों पे मिल जाएंगी। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा ट्रांसलूसेंट सा नियॉन कलर का चेयर रखी है, और ये एक म्यूजियम है। छोटा सा घर टाइप लग रहा है ना। हम लोग अभी निकले हैं डिजाइन म्यूजियम से, जाना कुछ खास नहीं लगा, प्लास्टिक की चेयर टेबल थी, हम लोग तो फटाफट आ गए निकल के। अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोग जा रहे हैं फाइन म्यूजियम आर्ट, देखते हैं वो पता है कि नहीं। 5 बजे उसका क्लोजिंग लास्ट एंट्री है, अभी 4:05 हो गया, देखते हैं हम लोग कवर कर पाते कि नहीं। म्यूजियम तो हो चुका है क्लोज, हम हो गए 15 मिनट लेट, अब हम जा रहे हैं सिटी मार्केट, ये कवर करेंगे संडे को। Wow.
हम लोग हैं अभी ग्रैंड प्लेस पे, यही वो सिटी सेंटर है ब्रुसेल्स का। यहाँ पे आसपास सारी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है और जिसपे गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स भी हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी 18 अगस्त तक इस पे फ्लावर्स की कारपेट बिछा होता था, जो कि अभी ख़त्म हो गया है, बट हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलरफुल। देखते हैं कि क्या है उसमें इतना खास। हम लोग उस गली में आ गए हैं जहाँ पे मैनिकन पिस का स्टैच्यू है। यहाँ से ही दिख रहा है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। देखते हैं कैसा है स्टैच्यू, बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। सारे सोवीनियर्स, एयरपोर्ट, सारे मेन मेन स्पॉट पे उसका स्टैच्यू बना हुआ है। ये बने, ये सब मिनिएचर मैनिकन पिस है। हो रहा ओरिजिनल मैनिकन पीस। टाइम हो गया है 6, अब लगी है सबको भूख। हमने सर्च किया, यहाँ पे है एक प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट, ये दिखता है, तो वहीं जाके अब खाना खाएंगे, फिर देखते हैं थोड़ा बहुत आसपास कुछ घूमेंगे, फिर जाके होटल में रेस्ट करेंगे। एंड फिर डे 3, ये आ गया प्योर वेज इंडिया। अच्छा, कौन ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है हमको। यहाँ पे बुफे है, तो बेसिकली थाली का प्राइस है 15 यूरो पे करना है, एंड एज मच एज यू कैन ईट यू कैन टेक। सो कितनी बार भी आप रिफिल कर सकते हैं। 15 यूरो फिक्स प्राइस है, और ये रोटी, नान, ये सब सब्जी, चाट, ये तो रसगुल्ले, समोसा, टोस्ट, रोल, पापड़, और ये सब सब्जियाँ, और प्योर वेज है। अच्छा है कॉन्सेप्ट। ड्रिंक्स एक्स्ट्रा है, जितना खा सकते हो आप लेते जाओ रिफिल। अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं यानी के पिस देखने। इसके पहले जो हमने देखा था वो मैनी के पिस था, अब देखते हैं यहाँ क्या अंतर है यानी के और मैनी के पिस में। Yeah.
चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं होटल के लिए। यहाँ से हम ट्राम लेंगे फाइनली, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन हमारा होटल, हम पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, आज है तीसरा दिन, सैटरडे। हम लोग जाने वाले हैं ब्रूस। एंड इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पीके मूवी की सारी जो शूटिंग स्टार्टिंग वाली थी वो यहीं शूट हुई है, जहाँ पे अनुष्का सरफराज से मिलती हैं। एंड वो जो गाना है चार कदम, वो सब यहीं पे शूट हुआ है। एंड हमने ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लिया है, उसमें सारे पॉइंट्स मार्क्ड हैं, इवन नंबर्ड हैं 1, 2, 3, 4 विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन्स। अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, हमने होटल से निकल के यहाँ बेकरी से क्रोसो एंड कॉफ़ी लिया है, तो आप खाएंगे उसके बाद निकलेंगे सेंट्रल स्टेशन की तरफ। सेंट्रल स्टेशन यही वो लोकेशन है जहाँ पे सरफराज और अनुष्का चलते हुए आते हैं, और सरफराज जब वो पैर उछाने का ट्राई करता है और वो गिर जाता है। ये भी एक लोकेशन है जहाँ पे चार कदम गाने का एक सीन जो है वो शूट हुआ था। ये बिल्डिंग वहाँ पे क्लियरली विजिबल है, एंड ये वो फेमस ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम ही लवर्स ब्रिज है। चार कदम गाने का सीन था। ग्रेप्स लगे चिपके नहीं अभी अच्छे से। बेल्जियम वफल्स दिखने में तो यम्मी लग रही है, द बेस्ट बेल्जियन वफल्स। हैव अ वफल फुल से बेस्ट बेल्जियन वफल। इट्स टाइम फॉर बोट राइड, आधे घंटे की है, 15 यूरो। वेलकम अबोर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ब्रूस। नेम इज गोइंग टू बी योर कैप्टन फिशर। द गवर्नर एंड द मेजर लेवल ग्रुप टू स्टार्ट द फाइनल हॉस्पिटल। El cuerpo de nuestro edificio del siglo XVI que regla la altura del área está una de las aguas al otro lado donde tenemos el Parque de Amor. Then we have the lock hops from the 16th century. The wooden locks underneath, they regulate the level of the water here. It's 1 meter higher at the other side where we have the part of lock. That's that part of the Christian calendar. The arch lake is opening. The building that the water yet were to get education. The concept of Bruce here of the 13th century.
Since 1926, their neighbor didn't live here anymore. What is left now of 8 months, they can be heard at 4 in the afternoon when they pray here in the chapel. El Beguinaje de Brujas is del siglo XIII. Casi 100 años acá, que no había más peruanos. I think it is a wunderschöne Baum, Bogenstrom, das Gebäude mit dem Turm, das Haus der Werder aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben in dieser Tür die Zähne Wilden Towers, von der Stadt in Sankt. The building with the tower. And this one has the most steps. Die typische Häuser hier verdrückt unsere links mit Treppenverfahren und dann rechts haben wir so eben गई पीके मूवी की अनदर लोकेशन जहाँ पे अभी मम्मी फोटो खिंचा रही है। ये वही सीन है जहाँ पे सरफराज बताता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। आप नोटिस करेंगे ये तीन घर दिखते हैं उस सीन में, और ये वो ब्रिज है जब वो चलते हुए जाता है वहाँ से। अच्छा एम्बियंस है रेस्टोरेंट, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम लोग खड़े हैं ब्रूक्स के मार्केट में जहाँ पे वो सीन शूट हुआ था जो अनुष्का, सुशांत सिंह राजपूत, अमिताभ बच्चन की पोइट्री के लिए लड़ते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो चढ़ के जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि टिकट सोल्ड आउट हो गई है। फिर वो नीचे आते हैं, यहाँ पे वो पर्सन खड़ा रहता है और वो बोलता है कि हाँ मेरे पास ब्लैक में टिकट है। तो बेसिकली यही वो सीन है, यही वो मार्केट है जहाँ पे सब वो पिक्चराइजेशन हुआ था। Thank you.
कैंडी शॉप और यहाँ पर बनावट भी। क्या लिया शेयर? कैंडी शॉप। चुपा चुप्स। इतनी सारी चॉकलेट ले लिया? चुपा चुप्स। कदम को यहाँ पर शूट हुआ है, ये सारी लोकेशंस आप देखने वाले हैं हमारे वीडियो में। तो या अच्छा दिन था, मिलते हैं कल, बाय बाय। हेलो, आज डे 4 संडे। आज हम लोग को शाम को वापस जाना है म्यूनिक, फ्लाइट है 8 बजे, तो हम लोग सोच रहे हैं 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। एंड अभी हो चला है चेकआउट का टाइम होटल से, 11 बज गई है, हाफ एन आवर में चेकआउट है, तो हमारे पास रफली 4 एंड 5 आवर्स हैं टू स्पेंड सम मोर टाइम इन द सिटी। तो प्लान है कि पास ही में रॉयल फाइन आर्ट म्यूजियम है, वहाँ जाएंगे। एंड जो रॉयल पैलेस हमारा रह गया था एंड वो रेनोवेशन है, तो इस साल वैसे भी वो खुला नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं उसके बाहरी फ्रंट गेट पे फ़ोटो खिंचा लेंगे। उसका जो फसाड है वो बहुत ही आर्किटेक्चरल वाइज सुंदर है। एंड उसके बाद एक फेमस पोमीस की प्लेस है, वहाँ जाके पोमीस खाएंगे। सबने रिकमेंड किया था यूट्यूब में, जितना भी हमने सर्च किया, तो वहाँ जाके वो खाएंगे। देन लास्ट में हम लोग मेट्रो लेके विल हेड टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो आज हम जाने वाले हैं ये म्यूजियम, जो कि फाइन आर्ट म्यूजियम है और बहुत फेमस है बेल्जियम का। देखते हैं कि अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड हैव फन। सामान हो गया जमा, अब हम घूमेंगे म्यूजियम। बहुत मस्त एंड ग्रैंड म्यूजियम है। तो Yes.
म्यूजियम काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा आर्टवर्क था, बहुत यूनिक पेंटिंग्स थी यहाँ पर, 16th-17th century की पेंटिंग्स थी मेजरली। और हाँ, बस अब यहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। रॉयल पैलेस अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे अंदर से, फिर भी हम उसके पास हैं तो हम वहाँ पर सामने जाकर फोटोशूट तो करा ही सकते हैं। ये आ गई वो फेमस पोमीज की शॉप, फ्रेंच फ्राइज मेंशन एंटोइन है। लेते हैं एक एक पैकेट पोमीज और ट्राई करते हैं। और हमने 3 सॉस भी लिए। कौन कौन? पीली पीली, मायो एंड केचप। पीली पीली तो लेकिन ऑरेंज ऑरेंज है। टेस्ट में कैसा है? ये तो अच्छा। हमारी ट्रिप होने वाली है एंड। हमने अभी फलाफल खा लिया लंच में, अब आए हैं अगेन वहाँ मैनिकन पेस के पास फेमस वॉफल खाने। बस अब वॉफल खा के प्लान है, जाएंगे होटल के पास, लगेज लेंगे एंड देन एयरपोर्ट। ये है एक वॉफल की शॉप और दूसरी शॉप ये है, और फेमस मैनिकन फिश एक और बार। ये रहा वो बनाना। क्रीम, फ्रेश क्रीम। ये वाला वॉफल भी अच्छा था, टेस्टी था। ये वाली शॉप थी और क्या प्लान है? अब हमने चेकआउट सुबह ही कर दिया था, सारा लगेज अभी ले लिया है और हम करने वाले हैं सी ऑफ ब्रुसेल्स को, क्योंकि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट म्यूनिख के लिए। हमारी ट्रिप की होती है द एंड। बाय बाय।